नमस्कार, मैं अनुराधा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मेदांता मेडिकल कंसल्ट सेंटर जम्मू। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से किया गया प्रदर्शन, कहा लोगों को ठगने का कार्य कर रही सरकार। जेएमसी द्वारा कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों से खाली करवाए गए सरकारी क्वार्टर्स। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सरकार से बिजली पानी के पुराने बिल माफ करने की कही बात। और दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी ऑब्जर्वर प्रदीप मित्तल का जम्मू में पार्टी सदस्यों द्वारा जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। आम जनता के लिए एक बड़ी राहत में जम्मू कश्मीर के परिवहन संघ, जिन्होंने 30 मार्च यानी कि आज पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया था, वहीं देर रात तक संभागीय आयुक्त जम्मू के साथ चली लंबी चर्चा के बाद इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। हल निकला है, मीटिंगों से ही निकलता है, बैठ के करके ही निकलता है। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट लखनपुर से लेके कश्मीर की जितनी हमारी जनता, अगर मेरी आवाज सुन रही है, कल से हमारी जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी। और उसके बाद मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जो हमारी चार डिमांडों के लिए इन्होंने टाइम मांगा है वो जल्दी हल। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज पार्टी अध्यक्ष मिशेल साहनी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जम्मू में सड़कों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को ठगने का कार्य कर रही है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई, आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उस जगह पर धरने पर बैठे हैं जो जगह को, जम्मू की सड़कों को बेच दिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता लगातार पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 72 सालों से, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद विकास रोजगार की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ सड़कों का भी जो है जो अतिक्रमण करके एक तरह से सरकारी तरीके से निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, वो पार्किंग स्थल बना दिया गया है, यानी सरकार की रजामंदी से सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक तरफ तो आप फड़ी रेड़ी वालों को अतिक्रमण के नाम पर जो है उनको बर्बाद कर रहे हो, उनको हटा रहे हो वहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सरकार खुद ही अतिक्रमण करवा रही है। स्थानीय प्रशासन के निर्देश अनुसार आज जेएमसी द्वारा गांधीनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत सरकारी बंगलों में काफी समय से रह रहे रिटायर कर्मचारियों से सरकारी बंगले खाली करवाए गए। इस मौके पर जेएमसी के सदस्य खासतौर पर मौजूद रहे। भाजपा नेता अश्विनी कुमार चंगू ने आज मीडिया के माध्यम से बोलते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे की श्रीनगर कोर्ट द्वारा कार्रवाई की गई, जो कि एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई काफी साल पहले ही की जानी चाहिए थी। अपना जो इंटेंट उनका था, मंशा जो उनकी थी कि कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं से खाली हो, उसको उन्होंने पूरा किया था। कश्मीरी पंडितों की बेदर्द हत्या के मामले में जितने भी लोग दोषी हैं, बिट्टा कराटे के अलावा भी, उनको भी न्याय के समक्ष प्रस्तुत कराना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भले ही आज तक 30 साल सरकारें जितनी भी थीं वो इस मामले में असफल रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें जो आज तक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, उन्हें न्याय मिले, इसके लिए बरसक प्रयत्न करना चाहिए। सरकार ने भी करना चाहिए, समाज ने भी करना। लोक जनशक्ति रामविलास पासवान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार से लोगों के पुराने पानी बिजली के बिल माफ करने की बात कही, ताकि आने वाले समय में लोगों को राहत प्रदान हो सके। जम्मू कश्मीर के लोग सब रोड में उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं,
आज कश्मीर में भी हमारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली पानी के लिए, जम्मू में तो आपने देखा कि कितनी गर्मी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा मजबूर हो चुके हैं। तो इसलिए लिहाजा हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो पीवी इनका बिजली पानी में प्रॉब्लम आ किया जाए। हम बहुत एक अच्छा वेलकम करेंगे इनका, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर साहब के काम बहुत अच्छे हैं, हम इसके लिए वेलकम करेंगे। लेकिन हमने कोई बड़े मुद्दे नहीं रखे हैं, मुद्दे तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम ये लिहाजा ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो पानी बत्ती का इन लोगों का माफ किया जाए, जिससे हमें इन लोगों को राहत मिले। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से बार बार कि हमें ये गरीब लोगों के लिए पानी बत्ती जो माफ किया जाए। जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि स्कास्ट जम्मू और एग्रीविजन संस्था आपसी सहयोग के साथ दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसका विषय रहेगा प्राकृतिक खेती। इस सम्मेलन में कई विद्वान लोग भी भाग लेंगे। हाँ सर, बताएंगे आज का जो ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू और एग्रीविजन जो संस्था है वो आपसी सहयोग से दो दिन का एक सम्मेलन कर रहे हैं 5 और 6 अप्रैल को, और उसका मुख्य विषय है कि नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को जम्मू कश्मीर और यहाँ के जो 6 राज्य हैं, इसमें जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में हम कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसमें विद्वान लोग होंगे जो पॉलिसी निर्धारक हैं वो भी होंगे, और हमारे विद्यार्थी जो आने वाले समय के हमारे नेता हैं, कृषि के लीडर हैं, वो होंगे, और कुछ ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती में पहले से ही लगे हुए हैं वो भी अपने अनुभव बांटेंगे। आम आदमी पार्टी ऑफिस गांधीनगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी युवाओं ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर दिल्ली से आए पार्टी ऑब्जर्वर प्रदीप मित्तल खासतौर पर मौजूद थे। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता ओम प्रकाश खजूरिया व कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाख रुपए का घोषणा की, कभी जुमलेबाजी ये करते आ रहे हैं। अभी भी मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर सबसे ज्यादा है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग कभी फिल्मों में लेके जा रहे हैं, कभी कुछ करने के लेके जा रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने विकास के रास्ते पे चल रही है, और जम्मू कश्मीर में भी जो हम वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। सांबा में बीती रात एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने आए एक युवक को दुकान मालिक और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, और समय रहते ही उसे पुलिस के हवाले भी किया गया। चोरी हुई, थोड़ा के लेता सर, मेरे थोड़े में पैसे है काफी, और सिट सूट है डब्बे। किन्ने किन्ने पैसे है, किन्ने पैसे लेते थोड़े, नकदी किन्ने पैसे? दो चार हजार रुपये बुगनी चोना, दो चार हजार रुपये दसें पर्ची होनी और पान शान ही आएंगे। नहीं, पुलिस मौके पुजी दी है, पुलिस कहने के गुहार लगा के कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या सख्त को सख्त कार्रवाई हुई है, ऐसा काम कोई पिंड कर नहीं। और भी चोरिया हुई जतवाल, सारी चोरिया इन बुलाई आ, इन पूरी कार्रवाई, अहें पूरा यकीन है कि जी लागे चोरी हुई थी, इन्दे भी इंदा का है। थोड़ा के नाम है? मेरा नाम है गंगा राम। ठीक है। उदास मार्ग संस्था आरएसपुरा की तरफ से संस्था के 22वें सदगुरु दीवान साहिब जी महाराज की याद में आज वार्षिक सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसी दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। जैसे आप के पांच चीजें काम की चीजें खत्म नहीं हो सकती, ये सारे अंदर ही रहनगियां। नहीं पढ़ा के वाणी सुना संगत करिए, ते संत महात्मा समझाते हैं कि भाई नाम का सिमरण करो, नाम का सिमरण करके एक आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराइया से आए श्री माता वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर पंचायत की सरपंच बीना देवी मुख्य रूप से उपस्थित रही, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। आज
पहले नवरात्रे को वैष्णो देवी पैदल जाएंगे और पहले नवरात्रे को ये पूरी यात्रा के जितने भी साथी 70-80 लड़के जाएंगे ये वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद ये घर में वापस आते हैं या जहाँ से लेके कटरा तक पैदल जाते हैं। मैं सभी को पंचायत की तरफ से गांव के सतराइया में सबको मैं जय माता की बोलूंगी पहले, और मैं सबका बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। जो बच्चे नौजवान बच्चे हैं जो हर तरह के साल जहाँ से सतराइया गांव से छड़ी यात्रा जो निकाली जाती है पैदल यात्रा, यहां से सतराइया से लेकर वैष्णो देवी कटरा तक ये यात्रा हमारी निकाली जाती है। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।